महानगर में शनिवार की रात्रि से हुई झमाझम बारिश से जहां महानगर के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में शनिवार की रात में रविवार को लगभग 34 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है। गौरतलब है कि लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जहाँ पर कुछ गाँवों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित व्यक्तियों को राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इस संबंध में गौरवपुरी से बात करते हुए आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने कहा। देखिए, आज यानी कल रात से लेके अब तक तकरीबन 54 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल दर्ज किया गया है अपने नगरी क्षेत्र में, और अभी तकरीबन 2-4 दिनों तक तो और अभी बारिश के अनुमान दिख रहे हैं। सर, इस समय क्या स्थिति है आगे लेके बारिश में? देखिए, बारिश तो है, अब तो ये मानसून का पीरियड अभी ये चल ही रहा है, और लेकिन इस अभी वर्तमान में जो नदियां हैं, नदियां सभी डेंजर लेवल के नीचे हैं, केवल घाघरा को छोड़ करके। तो अभी ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, बाकी टीमें अपनी फील्ड में हैं, मूवमेंट कर रही हैं लगातार, और अभी ऐसी कहीं स्थिति नहीं आ रही है। वर्तमान में तकरीबन हमारे 74 गाँव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं, तहसील खजनी और गोला क्षेत्र के, जहाँ पे राहत वितरण का कार्य जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार संचालित है, और अभी बाकी जो सिंचाई विभाग की टीम है और राजस्व विभाग की टीम है और पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम है वो लगातार बंधों पे पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। तो अभी ऐसी कोई सिचुएशन गोरखपुर में फ्लड को लेकर के नहीं है।